सुहे डियर, कैसे हो तुम सब। बाय द वे, आज मैं आ चुका हूँ अपने वाई फ्लेक्स चारिजार्ड के चैनल के अंदर एक बेहतरीन कोलैब वीडियो के लिए। मैं हूँ पोके लीडर 2 एंड आज हम बात करने वाले हैं एज के कुछ ऐसे स्पेशल पोकेमोन जो उसने रिलीज कर दिया था। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इन तक बने रहना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 11 सोलगेलियो। सोलगेलियो को हम ऐस का परमानेंट पोकेमोन तो नहीं कह सकते हैं। ऐस को ये नेबी के फॉर्म में मिला था, एकदम छोटे वाले फॉर्म में। सीरीज के एंड में ये इवॉल्व हो जाता है सोलगेलियो के अंदर में। एंड द एंड ऐस ने इसे रिलीज कर दिया था सीरीज के एंड में। ऐस चाहता था कि सोलगेलियो जो है अपने अल्ट्रा स्पेस में फिर से वापस चले जाए और अपना काम पूरी अच्छे से करे। लेकिन ये जब रिलीज हुआ था सच में वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि ये ऐस का फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमोन था। सो नंबर 10 लार्वीटार। एस को लार्वीटार जोटो के अंदर मिला था जब ये एक अंडे में था। वैसे एग्जैक्टली कहूँ तो एस ने लार्वीटार को कैच तो नहीं किया था, बट एस ने उसे अच्छे से देखभाल किया था अपने पोकेमोन की तरह, जिसकी वजह से लार्वीटार भी एस को पसंद करने लगता है। अब ये सब होने के बाद मुझे लगता नहीं कि भाई एस को लार्वीटार रिलीज करना चाहिए था, बट उस एपिसोड के अंदर भाई मूवमेंट ही कुछ ऐसे दिखाया गया था जिसकी वजह से एस लार्वीटार को रिलीज कर देता है पोकेमोन मास्टर क्विस्ट के एपिसोड नंबर 55 के अंदर, जिसका टाइटल था मदर ऑफ ऑल बैटल्स। नंबर 9 चार्जर्ड। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, चार्जर्ड। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि चार्जर्ड का तो ऐस रिलीज किया ही नहीं। तुम्हारा मानना बिल्कुल सही है, लेकिन ऐस ने चार्जर्ड को रिलीज किया था कुछ टाइम के लिए। ऐस चाहता था कि ऐस का चार्जर्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए उसने चेरिफिक वैली में उसे ट्रेनिंग के लिए रिलीज किया था। लेकिन इसे हम रिलीज करना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि टाइम टाइम पर ऐस का चार्जर्ड ऐस की मदद करने के लिए आता रहा है। उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग कम्प्लीट होने के बाद में फाइनली हमें यूनोवा रीजन के अंदर में देखने को मिलता है। ट्रेनिंग करने के बाद में वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमोन बन जाता है। लिस्ट के नंबर 8 पे है प्राइमेप पोकेमोन। अब जब एस ने प्राइमेप को पहली बार देखा था तब ये विकसित नहीं हुआ था। अब एग्जैक्टली कहूँ तो ये एक मैंकी के फॉर्म में था। जब ये एस के पोकेमोन टीम के अंदर ज्वाइन हो जाता है तब भी ये एस के किसी भी कमांड को अच्छे से फॉलो नहीं करता था। अब एस बाद में प्राइमेप को भरोसा दिलाता है आगे जाके पोकेमोन इंडिगो लीग के एपिसोड नंबर 29, जिसका टाइटल है द पंची पोकेमोन। इसके अंदर एस प्राइमेप को रिलीज कर देता है ताकि वो एक रेसलर बने। नंबर 7 गुडरा। गुडरा ऐस का कैलोस रीजन का पोकेमोन है। इसे ऐस कभी भी रिलीज करना नहीं चाहता था, लेकिन इसे मजबूरन रिलीज करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह से ऐस ने अपने पिजियोड को बाकी पिजियोड की रक्षा के लिए छोड़ा था वैसे ही इसे भी रिलीज किया कि जो भी बाकी गुडरा है वो सेफ रह सके। वैले ऐस का काफी ज्यादा फ्रेंडली पोकेमोन था और सच में मुझे भी काफी ज्यादा पसंद था। नंबर 6 पीजी यॉट। एस ने पीजी यॉट को एक पीजी ऑटो के फॉर्म में पकड़ा था एंड हम ये भी कह सकते हैं कि पीजी यॉट एस का दूसरा पोकेमोन है जो उसने खुद पकड़ा था। अब सीरियसली देखा जाए तो भाई एस के पीजी यॉट को एक कमजोर पोकेमोन माना जाता है, क्योंकि इसने एक भी तगड़े बैटल के अंदर जीत हासिल नहीं किया था। भले ही सब लोग एस के पीजी यॉट को एक कमजोर पोकेमोन मानते हैं, बट पीजी यॉट एस का एक लॉयल पोकेमोन भी है। अब कमजोर होने के बाद भी काफी पोकेमोन फैंस पीजी वोट को पसंद भी करते हैं। ऑब्वियसली मैं भी एस के पीजी वोट को पसंद करता हूँ। एस ने इसे एडवेंचर इन द ओरेंज आइलैंड एपिसोड नंबर 1, जिसका टाइटल है पैलेट पार्टी पैनिक के अंदर रिलीज कर दिया था। बाद में जाके पोकेमोन एम टू बी अ पोकेमोन मास्टर के लास्ट एपिसोड के अंदर पीजी वोट रिटर्न भी होता है। नंबर 5 स्क्वाटल। द फायरिंग स्क्वाड के एपिसोड के अंदर में यहाँ पर एस ने रिलीज किया था स्क्वाटल को। इस एपिसोड के अंदर में स्क्वाटल स्क्वाड फायर फाइटिंग कॉम्पिटिशन में एंटर किए होते हैं। उस टीम को लीड कर रहा होता है हमारा एस का स्क्वाटल। वो लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और एंड एंड वो जीत जाते हैं। स्क्वाटल की लीडरशिप को देखकर एस को रियलाइज होता है कि उसे रिलीज कर देना चाहिए और उसे उसके स्क्वाटल स्क्वाड के साथ में रहने दिया जाना चाहिए, जिसके बाद में एस ने उसे स्क्वाटल गैंग के साथ में छोड़ दिया। और काफी टाइम के बाद हमें M2B पोकेमोन मास्टर सीरीज के अंदर में हमें देखने को मिला। सो नंबर 4 लैप्रेस। अवेयर लैप्रेस पोकेमोन एस का एक भरोसेमंद पोकेमोन है। सीरियसली एस जो भी लैप्रेस को कमांड देता है लैप्रेस बिना हिचकिचाए हुए उसे फॉलो करती है। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि एस ने लैप्रेस को रिलीज करने के लिए ही पकड़ा था, क्योंकि एस का लैप्रेस एक बेबी लैप्रेस थी जो कि अपने झुंड से बिछड़ गई थी। एस लैप्रेस को अपने झुंड से मिलाने की वादा भी करता है एंड वादे के हिसाब से एस लैप्रेस को एडवेंचर इन द ऑरेंज आइलैंड एपिसोड नंबर 33 के अंदर रिलीज कर देता है। बाद में एक एपिसोड के अंदर फिर से एस के लैप्रेस को दिखाया जाता है। इसके अलावा पोकेमोन M2B
पोकेमोन मास्टर के एपिसोड नंबर 7 के अंदर एस के लैप्रेस को दिखाया जाता है। नंबर 3 बटरफ्री। बटरफ्री एस का फर्स्ट पोकेमोन है और बग टाइप में भी फर्स्ट पोकेमोन है। वेल, एस का बटरफ्री काफी ज्यादा प्यारा पोकेमोन था और एस भी काफी ज्यादा उससे प्यार करता था। एस ने उसे रिलीज किया था मैटिंग सीजन के अंदर में, जहां पे बहुत सारे ट्रेनर जो है अपने बटरफ्री को रिलीज करते हैं। यहीं पर एस के बटरफ्री को एक पिंक बटरफ्री पसंद आ जाती है। इसके बाद में वो उसके साथ में चल देता है और इसके बाद हमें एम टू बी अ पोकेमोन मास्टर के अंदर में हमें देखने को मिलता है बटरफ्री। एस के लिए बहुत ही ज्यादा सैड मोमेंट रहता है जब अपने फर्स्ट पोकेमोन को रिलीज करने में। सो लिस्ट के नंबर 2 पे है पिकाचू। अब एस ने पिकाचू को परमानेंटली के लिए तो रिलीज नहीं किया था, बट कुछ पल के लिए एस का पिकाचू एस के पास नहीं था। जब एस, ब्रोक एंड मिस्टी सफर कर रहे होते हैं जंगल के अंदर, उन लोगों को एक पिकाचू का झुंड देखने को मिलता है। अब उसमें से एक छोटा सा पिकाचू मुसीबत में होता है, जिसे देखने के बाद एस का पिकाचू उसे बचाता है। उसके बाद पिकाचू के झुंड एस के पिकाचू को लीडर मानने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो भाई इसके अंदर एस का पिकाचू बहुत खुश लग रहा था, जिसे देखने के बाद एस ये सोचता है कि भाई पिकाचू तो बहुत खुश है इन लोगों के साथ, तो एस पिकाचू को रिलीज करने का फैसला करता है। हालांकि मोमेंट थोड़ा इमोशनल था, बट एस पिकाचू को रिलीज नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के बॉन्ड के बीच कोई भी नहीं आ सकता। अब ये सब हुआ था पोकेमोन इंडिगो लीग के एपिसोड नंबर 39 के अंदर में, जिसके टाइटल था पिकाचू गुड बाय। नंबर 1 ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा को एस ने केलॉस रीजन में पकड़ा था और ये एस का पहला केलॉस का पोकेमोन था। इसके बारे में मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसे बॉन्ड एवोल्यूशन को भी अचीव कर लिया था। एस ने इसे रिलीज किया था जैगराइड के रिक्वेस्ट पे। ग्रीनिंजा ही है जो की जैगराइड के रूट्स को सेंस कर सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है, और जिसके बाद में जैगराइड के रिक्वेस्ट को मानते हुए एस ने उसे रिलीज कर दिया। लेकिन ये भी काफी ज्यादा इमोशनल सीन रहता है पोकेमोन एक्स वाई का। इसके बाद हमें ग्रीनिंजा पोकेमोन जर्नीज के एपिसोड्स में देखने को मिलता है, जहां पर वो लुकारियो को भी ट्रेन करता है। आज का वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।